Assalamualaikum and welcome to another food vlog। तो आज की शुरुआत मैंने की थी चाय पराठे के साथ, क्योंकि इतना हसीन मौसम था कि दिल कर रहा था कि साथ चाय और पराठा हो जाए। वैसे चाय पराठा मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि इससे ज़ाहिर पराठा से आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो कभी कभी खा लेना चाहिए, अपनी दिली ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहिए। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर जाने का, लेकिन मौसम को देख के ना मेरा फ़ौरन से इरादा बन गया कि नहीं बस अब तो खाना वाना खा के हम बाहर जाएंगे। तो इतने में हम रेडी हो गए थे और मैं ना गई थी इकरा के घर, और ये साथ बस कुछ पुरानी यादें थी जो वीडियो में आ गई। खैर मैं चली गई ऊपर इकरा के घर, ये ना सो नहीं रही थी, ये नमाज पढ़ रही थी। अब मैं गई तो साथ ही इरा बैठी हुई थी, और ये मैडम ना कमरे में बिल्कुल बत्ती बत्ती बंद करके नमाज़ पढ़ रही थी बहुत सुकून से। ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि ना जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना तो आप पूरे सुकून के साथ पढ़ो, सिर्फ उस टाइम आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होना चाहिए। फिर ना इकरा और मैं रेडी होकर आ गए थे यहाँ अपनी फेवरेट पार्क, और यहाँ हमेशा जब भी मैं आती हूँ मुझे सुकून के साथ ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि जो गेट पर होते हैं वो बिल्कुल मेरे भाई बने हुए हैं। और इतना ज़्यादा क्राउड था उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप जाएं, हालांकि मैं रुक गई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि जब आप जाओ और आप ऐसे टिकट ना दो। तो मैंने कहा आज मैं ना इनको ज़बरदस्ती भी बोलूँगी कि नहीं नहीं टिकट आज आप मुझसे लें, लेकिन इन्होंने इशारा किया नहीं नहीं आप जाएं जाएं प्लीज़ जाएं। तो फिर मैं खैर आ गए, हम लोग पार्क में आ गए थे अंदर, और यहाँ इतना ज़्यादा आज क्राउड था, मतलब क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन था, ऊपर से मौसम इतना अच्छा था कि हर कोई इन्जॉय करने के लिए बैठा था। तो हम यहाँ पर एक घंटा बैठे, उसके बाद चिड़िया भी अपने घर जा रही थी तो हमने कहा चलो हम भी घर जाते हैं। यहाँ से मैं सीधा गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि आयत की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसके बाद मैं सीधा डॉक्टर के ना घर वापस आ गई थी। तो जैसे ही घर पहुँचे तो जैसा मैं घर छोड़ के गई थी ना बिल्कुल वैसा ही मैंने घर को पाया था। बस एक चीज़ जो थी जो मेरे लिए सरप्राइज़ थी वो थी मेरी एसी, कि मेरा एसी चल गया। यार इतनी गर्मी में अगर आपका एसी नहीं चलता ना तो बस फिर कुछ काम दिमाग काम नहीं करता। अब मैं घर आई ना तो बस एसी चल रहा था, और गोलू भी ना यहाँ पर सुकून से बैठ गई क्योंकि उसको भी एसी मिल गया। बस हमें ना सिर्फ एसी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, बस एसी हो सुकून हो बस, और कोई दुनिया की टेंशन नहीं चाहिए, ना लोगों की ना दुनिया की। तो बस भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए बना लें, तो इतने में ही मेरे बाबा आ गए, और बाबा मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे सौगात की, क्योंकि बाबा मेरे घर ना बहुत कम आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी आते हैं तो भी पसंद की कोई ना कोई चीज़ें लेकर ही आते हैं। और नीचे जो फास्ट फूड की शॉप थी वहाँ से ये चीज़ें लेकर आए थे कि मैं खाऊँ और मैं और मोटी हो जाऊँ। अच्छी थी, लेकिन जब से मैंने फ़ास्ट फूड छोड़ा है ना तब से, जब अच्छा एक दफ़ा मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ तो फिर उससे मेरा दिल उठ जाता है। तो ये चीज़ें खैर बाबा लेकर आए थे तो मैंने खा ली थी उनका दिल रखने के लिए, लेकिन अब मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, या शायद मैंने खाना छोड़ दिया तो इसीलिए, लेकिन ना मुझे इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब दोबारा मंगवाने के लिए कुछ ख़ास नहीं था। खैर ये पूरा हो गया था और ये व्लॉग भी यहाँ तक ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फ़ौरन से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे अच्छे फूड और व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहेंगे। ओके बाय।